नमस्कार, मैं एलके गौतम एडवोकेट। धारा 439 सीआरपीसी के संबंध में चर्चा करती है। हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को जमानत की क्या शक्तियां हैं? धारा 439 उपधारा 1 सीआरपीसी ये कहती है हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को समान रूप से जमानत की विशेष शक्तियां हैं, यानी हाई कोर्ट सेशन कोर्ट किसी अपराध के मामले में जमानत दे सकती है। यहां कोई प्रतिबंध नहीं है कि किसी मामले में जमानत नहीं दी जा सकती है। जो शक्तियां सेशन कोर्ट को हैं, वही शक्तियां, वही पावर हाई कोर्ट को है। ये अलग बात है कि सेशन कोर्ट जिला न्यायालय किसी मामले में जमानत देता है या नहीं, या किसी केस की गंभीरता और उसके तथ्य कुछ और कहती है। आपका ये प्रश्न कौन से अपराध में सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट शर्त लगा सकता है? धारा 439 उपधारा 1 की क ऐसे अपराध जो सीआरपीसी की धारा 437 उपधारा 3 में वर्णित हैं, उन अपराधों के संबंध में सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट शर्त अधिरोपित कर सकता है। वो अपराध जो अध्याय 6 की धारा 121 से 130 तक, अध्याय 16 की धारा 299 से 377 तक, अध्याय 17 की धारा 378 से 462 तक, ऐसे अपराधों के संबंध में सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट वर्णित शर्तों में से कोई भी शर्त लगा सकती है। लेकिन ये अपराध या दूसरी श्रेणी 7 वर्ष तक के या उससे अधिक तक की, यानी दो श्रेणी हैं, ये जो अभी अध्याय 6, 16, 17 या ऐसे कोई भी अपराध आईपीसी या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत जो 7 वर्ष तक या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय हैं, ऐसे मामलों में हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट शर्त लगा सकती है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो मामले 7 साल से कम के हैं, उनमें शर्त लगानी नहीं चाहिए। अगर कोई कोर्ट शर्त लगाती है, तब ये आपका कर्तव्य है कि आप उसे देखें कि वो शर्त गलत लगाई है। आगे का प्रश्न, क्या मजिस्ट्रेट द्वारा लगाई शर्त को हटाया जा सकता है? 439 उपधारा 1 की ख किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर छोड़ते समय कोई शर्त लगा दी गई है, तब सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट, पावर दोनों को समान है, लेकिन अधिकतर मामलों में मजिस्ट्रेट द्वारा जब कोई शर्त लगाई जाती है, तब व्यक्ति सेशन कोर्ट में आता है और सेशन कोर्ट उन शर्तों को निरस्त कर सकती है, हटा सकती है, या उन शर्तों को मॉडिफाई कर सकती है, संशोधित कर सकती है। ये सेशन कोर्ट द्वारा देखा जाएगा
कि मजिस्ट्रेट द्वारा शर्त जमानत पर छोड़ते वक्त जो लगाई गई है क्या उचित है या अनुचित है। इस तरीके से धारा 439 सीआरपीसी के प्रावधानों को हम प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सी बेल एप्लीकेशन का नोटिस दिया जाएगा? जमानत आवेदन न्यायालय में दाखिल होता है, क्या हर जमानत का नोटिस सरकारी वकील प्रोसिक्यूशन ऑफिसर यानी पीपी को दिया जाना जरूरी है? हमें ये देखना है कि किन मामलों में नोटिस दिया जाए। अगर आपका मामला इस तरह का नहीं है तब नोटिस की आवश्यकता नहीं है। वो बात दूसरी है कि अदालतें व्यवहारिक रूप से क्या करती हैं, उन्होंने अपनी प्रक्रिया बना रखी है, यानी जो कानून कहता है उस कानून के 100% कार्य नहीं हो पाता है और उनसे लगभग मिलता जुलता उसके अनुसार कार्य करते हैं। यहां नोटिस पीपी को दिया जाना जिन अपराधों में आवश्यक है वहां ठीक है, लेकिन जहां आवश्यक ही नहीं है वहां भी नोटिस दे दिया जाता है। तब आपको देखना है कि वो मामले जो सेशन द्वारा विचारणीय हैं, ट्राइबल हैं, या ऐसे मामले जो सेशन द्वारा विचारणीय हैं उन सब में नोटिस दिया जाएगा, या कोई इस प्रकार का मामला नहीं है यानी सेशन द्वारा ट्राइबल नहीं है तब वो मामला आजीवन कारावास से दंडनीय है। मजिस्ट्रेट ट्रायल द्वारा भी हो सकता है लेकिन उसका पनिशमेंट आजीवन कारावास होना चाहिए। ऐसे मामलों में जमानत के आवेदन की सुनवाई का नोटिस लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर डीजीसी यानी सरकार की तरफ से जो अधिवक्ता नियुक्त है उसको दिया जाएगा कि ये जमानत सुनवाई उस दिन को नियत है और उस पर दोनों पक्षकारों को सुना जाएगा। लेकिन अगर किसी मामले में न्यायालय ये समझता है कि नोटिस दिया जाना आवश्यक नहीं है तब नोटिस नहीं दिया जाएगा। अब इसके परंतु को मैं वो मामले जिनमें नोटिस दिया जाना आवश्यक है धारा 376 की उपधारा 3, 16 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ बलात्कार हुआ है, धारा 376 ए बी 12 वर्ष से कम उम्र की किसी स्त्री के साथ बलात्कार है, धारा 376 डी ए 16 वर्ष की किसी स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार है, 376 डी बी 12 वर्ष से कम आयु की किसी स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार है, ऐसे मामलों में भी सरकारी वकील को जमानत की सुनवाई का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है और नोटिस 15 दिनों के भीतर दिया जाएगा। इस तरीके से जमानत की सुनवाई के लिए नोटिस की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर कोई मामले में अदालत नोटिस देती है तब आप अदालत से कह सकते हैं क्या बादी को जमानत सुनवाई की सूचना देना अनिवार्य है। इस प्रश्न का उत्तर धारा 376 की उपधारा 3, धारा 376 ए बी, धारा 376 डी ए, धारा 376
डी बी, यानी अभी जो बताए हैं मैंने 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, ऐसे मामलों को स्पेसिफाइड किया है, विशेष प्रावधान किया है, ऐसे मामलों में बादी को नोटिस दिया जाना आवश्यक है, जिससे उसे उसे जानकारी हो सके और वो उन जमानत प्रार्थना पत्रों का विरोध कर सके। क्या हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट जमानत को निरस्त कर सकता है? जी हां, धारा 439 की उपधारा 2, ये नियम है, ये प्रावधान करती है कि किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा गया है, उसकी गिरफ्तारी का आदेश दोनों अदालतें कभी भी दे सकती हैं। उनकी राय में ऐसी परिस्थितियां हैं कि गिरफ्तार किया जाना आवश्यक है, तब ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी किसी भी समय हो सकती है। इस तरीके से मैंने आपके सामने धारा 439 सीआरपीसी की उपधारा 1 और उपधारा 2 के प्रावधानों को रखने का प्रयास किया है, जिन्हें सरल भाषा में आपके सामने रखा है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य बताएं, यदि कोई प्रश्न है तो प्रश्न अवश्य लिखें।